हम खुद ही सेल करते हैं, खुद सेल करते हैं। क्या रेट में करते हैं सर? 55 से 60 रुपए लीटर। 55 से 60 रुपए लीटर में, जैसा कि आपने बताया 40 एनिमल प्रोडक्शन में है और 500 लीटर पर डे का प्रोडक्शन हो रहा है और 60 रुपए लीटर से अगर सेलिंग है तो मंथली बिल कितने का हो जाता है सर? मंथली हो जाता है 9 लाख रुपए का। 9 लाख रुपए का, 9 से 10 लाख रुपए का हो जाता है। कि कितना खर्चा आ गया इस फार्म को बनाने में? आ गया साहब 45 से 40 लाख रुपए। 40-45 लाख रुपए और पशु का अलग है? पशु का अलग है सर। ये बताएं अभी आप सूखे चारे में क्या दे रहे हैं? अभी सूखे चारे में तो भूसा है। भूसा है, हाँ। कितना स्टॉक करते हैं आप? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम आए हैं भोपाल डिस्ट्रिक्ट में, आइए जानते हैं किस प्रकार से एक नए युवा डेयरी फार्मिंग करते हैं, कितना मिल्क का प्रोडक्शन लेते हैं, कौन कौन सी ब्रीड रखी है और किस प्रकार से अपने डेयरी फार्म का संचालन करते हैं। आज हमारे साथ एक बहुत नए कहें युवा हैं जिन्होंने अपने डेयरी फार्म का जो शेड है वो भी अच्छा बना रखा है। आइए जानते हैं किस प्रकार से डेयरी फार्म का संचालन वो करते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या नाम है अपना? नमस्कार, रामनिवास मेरा नाम है। अच्छा। ग्राम सोनगढ़ डिस्ट्रिक्ट सीहोर। हाँ सर, ये बताएं कि कितनी उम्र है आपकी? मेरी है सर 25 साल। 25 साल जी। और कितना समय हो गया डेयरी फार्मिंग में आपको? अभी हुए हैं सर हमको 6-7 महीने हुए हैं। 6-7 महीने हुए हैं जी। सर ये बताएं कि शुरुआत में किस समय आपने शुरुआत की थी और कितने एनिमल से शुरुआत की थी आपने? 2 साल पहले शुरुआत की थी हमने, 10 एनिमल से की थी। 10 से की थी। कौन सी ब्रीड थी उस समय आपके पास? हमारे पास थी राजस्थान की भैंसे थी। अच्छा, मारवाड़ की थी? जी जी। 10 भैंसों से स्टार्ट किया था आपने? सर बात की जाए कि 10 भैंसों से आपने स्टार्ट किया था, आज प्रेजेंट में कितने एनिमल है आपके पास? अभी प्रेजेंट में 50 है हमारे पास। 50 एनिमल है जी जी। कितनी बफेलो और कितनी काउ है? 35 अपने पास भैंसे हैं जी और गैया है 5। अच्छा, 5 गायें हैं जी। सर ये बताएं कि जैसा हम देख पा रहे हैं काफी अच्छा मॉडल आपने डेयरी फार्म का सेट बना रखा है और काफी पशु भी हेल्दी हैं, आपके बॉडी स्ट्रक्चर भी अच्छा है। सर ये बताएं कि आपके पास अभी जो ब्रीड है ये कहाँ से परचेस की थी आपने? राजस्थान और हरियाणा पंजाब। अच्छा, हरियाणा राजस्थान और पंजाब की ब्रीड है जी जी। सर ये बताएं जैसा आपने बताया 40 एनिमल है, हाँ, कितने मिल्किंग में है अभी? 6 लीटर तक भी है, 5 भी है। अच्छा, हाँ। कितने पशु दूध दे रहे हैं अभी? अभी पूरे ही दे रहे हैं। सभी दे रहे हैं 40 पशु दूध दे रहे हैं? जी जी। सर जैसा आपने बताया 40 पशु दूध दे रहे हैं, कितना प्रोडक्शन होता है पर डे का? पर डे का दोनों टाइम का हो जाता है 500 लीटर। 500 लीटर हो जाता है? जी जी जी। सर ये बताएं जैसा आपने बताया 500 लीटर पर डे का प्रोडक्शन है, कितना फेट आ जाता है? फेट आ जाता है 7 फेट तक आ जाता है। 7 फेट आ जाता है। कहाँ पर देते हैं ये दूध आप? हम खुद ही सेल करते हैं। खुद सेल करते हैं। क्या रेट में करते हैं सर? 55 से 60 रुपए लीटर। 55 से 60 रुपए लीटर में, जैसा कि आपने बताया 40 एनिमल प्रोडक्शन में है और 500 लीटर पर डे का प्रोडक्शन हो रहा है और 60 रुपए लीटर से अगर सेलिंग है तो मंथली बिल कितने का हो जाता है सर? मंथली हो जाता है 9 लाख रुपए का। 9 लाख रुपए का, 9-10 लाख रुपए का हो जाता है। सर ये बताएं कि इसमें जैसे हरा चारा, सूखा चारा, लेबर का खर्चा, खलियों का खर्चा, फार्म का मेंटेनेंस, दवाइयां, अगर बात की जाए 9 लाख में से तो कितना खर्च हो जाता है मंथली? 4 लाख तो मिनिमम हो ही जाता है। 4 लाख हो जाता है जी जी। अच्छा, मतलब लगभग 5 लाख माने हम तो अर्निंग हो जाता है। 5 लाख मान लीजिए। सर ये बताएं कि आपने जो फार्म बनाया है ये कितने बाय कितने का है? ये अपना है सर 110 जी बाय 45 का। 110 बाय 45 का है। कितने पशु आ जाते हैं इसमें? 100 पशु आ जाएंगे। 100 पशु आ जाएंगे। सर ये बताएं कि जैसे आपने पूरा जालीदार, हवादार और इसमें फैन भी लगा रखे हैं, काफी अच्छा जो बनाया, हवा का आउटपुट इनपुट भी अच्छा है ताकि ठंडाई हो पशुओं को, स्ट्रेस ना हो। सर ये बताएं कि कितना खर्चा आ गया इस फार्म को बनाने में? आ गया साहब 45 से 40 लाख रुपए। 40-45 लाख रुपए और पशु का अलग है? पशु का अलग है। सर ये बताएं अभी आप सूखे चारे में क्या दे रहे हैं? अभी सूखे चारे में तो भूसा है। भूसा है, हाँ। कितना स्टॉक करते हैं आप? स्टॉक करते हैं 1000 क्विंटल करते हैं साल के लिए। 1000 क्विंटल जी पूरे साल काम हो जाता है? हो जाता है। सर जैसा आपने बताया 1000 क्विंटल सूखा आप करते हैं स्टॉक, आप अभी खलियों में, दानों में क्या दे रहे हैं? दानों में दे रहे हैं सर हम अभी बिनोला दे रहे हैं जी और चापड़ और चुनी। चापड़ किस चीज की है? चापड़ गेहूं का है, गेहूं का चोकर है। और चुनी? चुनी अपने चने की। किस प्रकार से देते हैं इसको, गीला देते हैं, भिगो कर या फिर सूखा? चुनी और बिनोला तो हम भिगो के देते हैं, बाकी चापड़ ऊपर से डालते हैं। मिल्किंग से कितने समय पहले इसको दे देते हैं आहार को? 1 घंटे पहले। 1 घंटे पहले देते हैं। सर जैसा हम देख पा रहे हैं आपने जो पानी का ऑटोमेटिक सिस्टम बना रखा है, इसी में जब पशु को प्यास लगे तो पानी पी सकता है।
तो ये किस प्रकार से आपने मतलब तैयार किया, जैसे बाल आपने बिठा रखा है? हाँ, बिठा रखा है ना बाल हर जगह, हर भैंस के पास है। अच्छा, ताकि वो जब उसकी मर्जी हो पानी पी सकती है। अच्छा, पढ़ाई में क्या कंप्लीट किया है? बीकॉम किया है मैंने इंदौर से। इंदौर से किया है? जी, जी। बीकॉम करने के बाद में क्या आइडिया आया कि आप डेयरी फार्मिंग करें, और इसमें रुचि कैसे आई? क्योंकि आजकल के नए युवा तो जैसे हम पंजाब में देखते हैं कि पूरे फॉरेन कंट्री को जाते हैं, कनाडा चले जाते हैं, या छोटे मोटे गांवों के लोग शहरों में जाके अपना बिजनेस करते हैं या नौकरी करते हैं। आपके दिमाग में क्या आइडिया है कि आपने डेयरी फार्मिंग का काम स्टार्ट किया? मैं सर इंदौर गया था जॉब के पर्पज से जी, फिर लॉकडाउन लग गया था, उसके बाद मैं आ गया हूँ गाँव पे। अच्छा, तो उसके बाद फिर मैंने ये काम चालू किया। अच्छा, हाँ जी। जैसा लोग बोलते हैं सर कि डेयरी फार्मिंग प्रॉफिट का बिजनेस नहीं है, लॉस हो जाता है और इसमें कुछ नहीं बचता है, नहीं आपके इतना समय का जो अनुभव है वो क्या बोलता है? नहीं नहीं, वो करने से है, अगर नहीं करोगे तो कैसे मिलेगा? बिल्कुल, मतलब मेहनत आपको स्वयं को करनी पड़ेगी, करना पड़ता है ना। जैसे क्या मेहनत में, क्या कैसी मेहनत करें? वो मेहनत में ये सुबह से उठना पड़ता है। कितनी बजे? 5 बजे उठना पड़ता है। 5 बजे उठ जाते हैं। कितनी बजे मिल्किंग होती है सुबह? मिल्किंग होती है 6 बजे से चालू हो जाती है, तो 7-8 बजे तक हो जाती है पूरी। 7-8 बजे तक हो जाता है सर। जैसे 50 एनिमल है आपके पास, तो कितने लोग इसको मैनेज करने में लगते हैं? 5-7 लोग हैं। 7 लोग हैं। हाँ जी। मिल्किंग हाथों से होती है? हाथों से होती है, मशीनों से नहीं करवाते। कितना टाइम लगता है मिल्किंग में? 2 घंटे लगते हैं। 2 घंटे लगते हैं सर। जैसा आप डेयरी फार्म बहुत अच्छा है, पशु भी सभी हेल्दी हैं, आपके फीड का प्लान भी, आपका डाइट प्लान भी अच्छा है सर। अभी हरे चारे में क्या दे रहे हैं? हरे चारे में चरी दे रहे हैं अभी। चरी दे रहे हैं जी। सर जैसे वैक्सीनेशन आप साल में कितनी बार कराते हैं? वैक्सीनेशन करवाते हैं हम, अभी करवाया था जब भैंसे लाए थे उस टाइम करवाया। अच्छा, था डॉक्टर मतलब साल में 2 बार करवाते हैं, और सभी भैंसों का बीमा भी करवा रखा है। अच्छा, इंश्योरेंस भी करा रखा है। उसमें क्या क्या आ जाता है इंश्योरेंस में? इंश्योरेंस में सर अभी वैल्यू है इसकी 1 लाख रुपए भैंस की। अच्छा, हाँ जी। पर एनिमल कितना कॉस्ट आता है? 3,000 रुपए। करवाना चाहिए? करवाना चाहिए सर। उसकी क्या सेफ्टी क्या है उसकी, आप बताइए? एक भैंस के पूरे, एक भैंस की उसमें पूरे सारी भैंसों का हो गया है। अच्छा, रिकवर हो गया? हाँ, एक भैंस की कीमत में पूरी भैंसों का वो हो गया है। अच्छा, एक भैंस की कीमत में हो गया है। हाँ जी। सर ये बताएं कि जैसे इतने समय से आप फार्म चलाते आ रहे हैं, किसी प्रकार की पशुओं में गंभीर समस्या जैसे थनेला, मिस्टाइटिस या रिपीटिंग, किसी प्रकार की कोई गंभीर समस्या? ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा, हाँ। दोस्तों अगर आपका डाइट प्लान अच्छा है या पशु का पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन की वैल्यू आप दे रहे हैं, पूरा टोटल TMR बनाकर पशुओं को राशन दे रहे हैं, तो किसी प्रकार की समस्या जो आती है उसके चांसेस कम हो जाते हैं। उसका डाइट प्लान हो, समय उसका जो मिल्किंग का समय है, फीडिंग का समय है, हर समय को आप अगर हर समय एक्टिव रहेंगे तो फार्म पर किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। सर ये बताएं हमारे भारत के युवा अगर नए युवा डेयरी फार्मिंग करना चाहें तो शुरुआत में कितने पशु लाएं और कितने पशु से शुरुआत करें और किन किन बातों का ध्यान रखें, डेयरी फार्मिंग में आए या ना आए, प्रॉफिट का बिजनेस है या लॉस का, आप क्या सजेस्ट करेंगे? नहीं, प्रॉफिट का बिजनेस है और वो थोड़ा अपने वो खुद को देखना पड़ता है। अच्छा, और छोटे स्तर से चालू करें, बड़े से ना करें। अच्छा, शुरुआत में कितने एनिमल लाएं? मिनिमम 5 से 10 तो होने ही, 5 से 10 होना चाहिए। अगर उसमें प्रॉफिट दिख रहा तो फिर करिए, अगर नहीं आपको लग रहा है नहीं कर पाओगे तो फिर वो कैसे होगा? अच्छा, मतलब खुद को अगर लगन है उसमें, आपकी उत्सुकता है कि हम ये कार्य कर सकते हैं, तभी डेयरी फार्मिंग करें। अब 7 लोगों के होने के बाद भी हमको करना पड़ता है, 7 लेबर के बाद भी आपको काम करना पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा सर ये बताएं कि जैसे आप हरियाणा से भैंस खरीदते हैं, पंजाब से और राजस्थान से, तो सबसे अच्छा रिजल्ट किसका निकला है? पंजाब हरियाणा का अच्छा निकला है। पंजाब हरियाणा का अच्छा है। कितना प्रोडक्शन, हाई यील्ड एनिमल आपके पास जिसका प्रोडक्शन आपको याद हो? 8 लीटर तक का है एक टाइम का। क्या बात है सर। गर्मी का टेम्परेचर कितना चला जाता है? गर्मी का काफी कम हो जाता है यहाँ पे, 41 तक चला जाता है। 41 डिग्री चला जाता है, तो गर्मियों में फिर फोगर आप लगाते हैं? लगवाएंगे ना, अभी बस काम चालू होने ही वाला है। अच्छा, लगवाना है। अभी आपने डेयरी फार्म उधर से इधर सेटअप किया है तो उसमें टाइम लगा है ना, तो अभी काम चल ही रहा है, बाकी बहुत काम बाकी है अभी तो। अच्छा सर, जैसा आप हम फीडिंग में देख पा रहे हैं कि पहले इसमें तूड़ी दिया, उसके बाद में दाने दिए, तो इसी प्रकार से फीडिंग होती है दोनों टाइम? हाँ, इसी टाइप प्रकार से होती है। अच्छा दोस्तों, देखा आपने किस प्रकार से एक नए युवा 25 साल की उम्र में अपना डेयरी फार्म पूरा अच्छी तरीके से संचालन कर रहे हैं। सर आपने समय निकाला, हमारे डेयरी फार्मरों को और दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।